पिछली वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिंपल हम जो वैल्यू है x की वो कैसे फाइंड करते हैं। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल में मतलब परिमेय संख्या में अगर हमारे पास वैल्यू दे रखी पी बटे की फॉर्म में तो हम उसको सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं। और बहुत ही ईजी है, इसके लिए आपको सिंपल फ्रैक्शन आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन आता है तो ईजिली हो जाएगा। देखो, और अगर नहीं आता तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपली ये देखो हमारे पास 3x अपॉन में 2 है प्लस x अपॉन में 3 है इक्वल 4 है। अब इसको हमें सॉल्व करके क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे देख लो आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। 2 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम अगर मैं लूंगा तो सिंपली मुझे पता है 6 आएगा, बट मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 2 के टेबल में 3 तो नहीं करेगा, कैंसिल आउट होगा, 1 चला जाएगा, 1 बार में, सॉरी 2 चला जाएगा, और 3 के टेबल में 1.1, तो 2 × 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया है, इसका 6 आ गया है। यहाँ पे 6 मैं लिख दूंगा। अब देखूंगा 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 6 जो हमारे पास क्या है, सिंपली 3 बार में आता है, और मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या कर दूंगा 3x प्लस हमारे पास 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इक्वल टू में 4। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 9x आ जाएगा, प्लस 2 को जब मैं एक्स से करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा अपॉन में 6 इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि 9x प्लस 2x एक ही फैमिली के हैं, दोनों के साथ क्या है x जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 × 11x, और यहाँ पास क्या हो जाएगा 6 की जो वैल्यू है वो जाएगी क्या जाएगा, मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगा, तो 4 × 6 और हमारे पास क्या हो जाएगा 24। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 आ जाएगा, और x इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा 24/11। आप चाहो तो इसका डेसिमल में निकाल सकते हो, अदरवाइज इसकी वैल्यू जो आप सिंपल ऐसी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन बिल्कुल अर्जेंट है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लास 6, 7, 8 इन सब के मैथ के बुक में, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपके दे रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या करूंगा, मैं इसको सिंपल फ्रैक्शन कर दूंगा, सॉरी फ्रैक्शन तो करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, तो 5 और 10 का एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास 10 आएगा। सिंपली हम करके देख लेते हैं 5 और 10, 5 के टेबल से 1 और 2, 2 के टेबल से 1 और 1, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास कितना आएगा 5 के टेबल 10 कितनी बार में 2 बार में एंड मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 10 के टेबल 10 कितनी बार में आता है 1 बार में, मल्टीप्लाई क्या होगा 2x होगा सिंपली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा कुछ भी नहीं है, 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x आ जाएगा, माइनस 1 को मैं 2 से करूंगा तो 2x आ जाएगा अपॉन में 10 आ जाएगा। ओके, अब 10 में से हमारे पास क्या जाएगा 2 चला जाएगा, तो यहां पे कितना बच जाएगा 8x अपॉन में 10। अब देखो यहां पे तो ये वाली वैल्यू तो हम सॉल्व कर रहे हैं, बट इधर वाली वैल्यू एलजेब्रिक चलती आएगी, इधर वाली जो वैल्यू है वो एलजेब्रिक चलती आएगी, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करा हमने। ठीक है, 8x अपॉन में 10 आ गया है, 3/5। अब यहां पे आने वाला आप सिंपली क्या करवा सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो, या फिर यही वैल्यू जो है हमारे पास इसको उधर भेज दो सिंपली मल्टीप्लाई में, और यही जो वैल्यू है वो नीचे चली आएगी, तो एक्स का हमारे पास एक्स यही पर रह जाएगा, और जो नीचे थी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो ऊपर था वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/8। अब देखो कुछ कट रहा है, यस 5 के टेबल 10 पे जा रहा है 2 बार में, और उसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 के टेबल से 8 भी जा रहा है 4 बार में, तो इसका जो आंसर आया है एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आया है आपका, एक्स की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपकी बताओ, एक्स की जो वैल्यू आई है आपकी सिंपल 3/4। आप चाहो तो इसका डेसिमल निकाल सकते हो, अदरवाइज डेसिमल आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है।